रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक मामले में ठोस कार्यवाही नहीं की है, हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। कर्मचारी नेता ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं दी जाती, गंभीर रूप से घायल परिचालक को पूरा इलाज सरकार द्वारा नहीं करवाया जाता, तब तक पूरे प्रदेश के सभी डिपो में ही यह चक्का जाम रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि रोडवेज के चालक जगबीर को एक थार गाड़ी में सवार युवक एवं युवतियों ने ओवरटेक किया और उसके बाद गाड़ी से उतार कर मारपीट कर कुचल दिया, उससे उसकी वही मौत हो गई। स्टेट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, आज का जो हमारा यहाँ पे हड़ताल जो हम कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं। हमारे रोडवेज का एक चालक जिसका नाम जगबीर था, दिल्ली डिपो में कर्मचारी था, वो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था और एक थार गाड़ी में दो लड़के और दो लड़कियाँ थे, जो उन्होंने कई बार उस गाड़ी ने हमारी बस को ओवरटेक किया, कई मेरी गाड़ी को कभी आगे करते थे कभी पीछे करते थे और गाड़ी के बराबर में लगा के जो ड्राइवर उस पर बस पे ड्यूटी कर रहा था उसके साथ गाड़ियां गलौज कर रहे थे, तो उन्होंने गाड़ियां बस को रोक करके और जो ये चालक जिसकी उन्होंने हत्या करी है ये गाड़ी से नीचे उतर गए, उन गाड़ी वालों को ये कहने के लिए उतरा था कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, हमने तो आपको कुछ बोले नहीं, तो आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, आपने जाना तो जाइए। लेकिन उन्होंने ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।